हेलो, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। वीडियो पर व्यू कम हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट में जान है। अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो क्या है कि लोपिताल रूल, जिसे ज़्यादातर बच्चे एल हॉस्पिटल रूल बोल देते हैं, मैं भी बोल देता हूँ, उस रूल की भी कुछ लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा वैलिड है, वो भी कभी कभी लगा सकते हैं, कभी कभी नहीं लगा सकते। उसकी लिमिटेशन क्या है? मान लो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स। इसको एल हॉस्पिटल रूल से करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे पहले चेक करो क्या लगेगा भाई। जब इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी प्लस, अब कोस इन्फिनिटी क्या होता है ध्यान से, कोस इन्फिनिटी क्या होता है, नीचे क्या है इन्फिनिटी। कोस इन्फिनिटी जो भी आएगा बेटा माइनस वन से वन के बीच में आएगा, यस और नो? यस सर। इन्फिनिटी में से माइनस वन और वन के बीच की कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्क तो पड़ने नहीं वाला, इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ठीक है, ये बना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो लगाते वक्त क्या करोगे फिर, जो ये लिमिट है इसको लिखोगे इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का क्या आएगा वन माइनस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा वन। अब इन्फिनिटी रखो, जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो वन माइनस ये जो चीज आएगी ये माइनस और वन के बीच में से कुछ भी आ सकता है। साइन इन्फिनिटी क्या आएगा माइनस वन और वन के बीच में, आपको नहीं पता। तो जब पता नहीं होता ओसिलेट कर जाती हैं लिमिट्स, हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, रुको जरा रुको जरा, किसी दूसरे तरीके से करते हैं, इसी को पकड़ो अनदर वे। ये पहला था ये दूसरा है, कैसे करोगे बेटा? लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, इसको इसके नीचे ले जाओ एक्स बाय एक्स और कोस एक्स बाय एक्स। अब करते हैं, ये एक्स बाय एक्स कैंसिल आउट हो चुका है, यस सर। तो ये बना नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये वन प्लस कोस एक्स बाय एक्स। लिमिट को अलग अलग भेज सकते हो तो ये बनेगी वन, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं जिसको पुट करोगे। तो ये बनी लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी और ये बनी आपकी कोस एक्स बाय एक्स। एक मिनट, यही था क्या? चलो पुट करके देखते हैं हमारा क्या जाता है। इस केस में जब एक्स को इन्फिनिटी पुट करोगे, ध्यान से, इस केस में जब एक्स को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये चीज़ क्या बनेगी? ऊपर वाली बनेगी बेटा माइनस वन से वन के बीच में कुछ भी बन सकता है, नीचे वाला बेटा इन्फिनिटी। अब माइनस वन से वन के बीच में जो भी नंबर लो उसको इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो बेटा, आंसर जीरो आने वाला है। आपको भी पता है मुझे भी पता है, खुद को झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तो इससे आंसर आ रहा है, यानी कि एक्चुअल में सच में सच मानना ये लिमिट वन ही है। बट एल हॉस्पिटल रूल क्या बताता है, लोपिताल रूल क्या बताता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो फेल हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और है, उसी का बाई है, इसको करते हैं फिर बताएंगे कब पता चलेगा। नोट कर सकते हो करना चाहो तो, ओके, कि कब पता चलेगा कि सर लिमिट एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना, लोपिताल रूल कब नहीं लगाना, कब लगाना है तो देखते हैं। इसमें देखो ऊपर बनी बेटा इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी में से वही केस है, मैंने बस उल्टा करके लिखा हुआ है जस्ट। तो ये बना बेटा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल यानी कि लोपिताल रूल लगाते हैं तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर करते हैं तो वो आता है वन, और नीचे वाले का वन माइनस कोस एक्स। अब जब एक्स को पुट करोगे यहां पर तो वन वन माइनस माइनस वन से वन के बीच में आएगी ये चीज, ओसिलेट कर जाएगी। और जब चीजें ओसिलेट करते हमें नहीं पता कि नीचे क्या आने वाला है, हो सकता है माइनस वन आए तो ये माइनस वन प्लस हो जाए तो वन बाई टू बन जाए, हो सकता है कि ये वन आ जाए तो वन वन जीरो इन्फिनिटी बन जाए, हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है। तो इसलिए कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसको अलग तरीके से करते हैं। अलग तरीका क्या है, इसी को पकड़ो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी।
अब क्या करता हूं मैं, इसको वन और इस एक्स को सबसे नीचे ले आता हूं, एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब अलग अलग कर लो बेटा, अब अलग अलग कर लो। कमियां नहीं बताता होगा कोई, बहुत कम टीचर बताते हैं, अच्छे अच्छे टीचर बताते हैं आपको कमियां। इसको नीचे करोगे तो वन बनेगा, माइनस साइन एक्स बाई एक्स। अब लिमिट को नीचे अलग अलग भेज सकते हो, जैसे लिमिट को अलग अलग भेजोगे तो वन डिवाइड बाय ये वन माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स। वही केस बन गया पीछे वाला, ये तो रहेगा बेटा माइनस वन और वन के बीच में, और नीचे वाला बन गया बेटा इन्फिनिटी। तो ये चीज जो है आपकी ओवरऑल जीरो के पास चली जाएगी और ये आंसर आपका आ जाएगा वन डिवाइड बाई वन माइनस जीरो यानी कि वन। तो ये इस लिमिट का आंसर भी वन आता है, लेकिन एल एच रूल बता रहा था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ये रूल हुआ। दूसरा एक और लिमिटेशन है इसकी, एक तो ये है, हाँ क्यों कब पता चलेगा कि सर ऐसे नहीं करना, बताते हैं अभी बताते हैं अभी बताते हैं। ध्यान से इस लिमिटेशन को लिख सकते हैं पहली कमी को, कि जब एल एच रूल से लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट आए तो समझ जाना कि ये फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया। तो कोई और मेथड ट्राई करना, कोई और मेथड ट्राई करना ताकि गलत से तो बच जाओ। एक तो लिमिटेशन ये है इसकी, पता चल जाएगा ना कब डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, जब जब डज नॉट एग्जिस्ट बताए समझ जाना कि ये फेल हो रहा है। अच्छा सेकंड एक क्वेश्चन देता हूं जो कि हमने पहले भी किया हुआ है, ये है मोड एक्स बाय एक्स। अब देखो इसमें पुट करना तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, लेकिन जीरो बाय जीरो बन रही है मतलब ये थोड़ी है कि एल एच रूल लगा दोगे। भाई साहब एल एच में ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना होता है और नीचे वाले का भी, यहां पर ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो डेरिवेटिव कहां से कर लोगे, एल एच रूल नहीं लगा सकते। तो लिख सकते हो लिमिटेशन में, अगर ऊपर या फिर नीचे वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है तो एल एच नहीं लगाना, नहीं लगाना मतलब नहीं लगा, अगर दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं तब भी नहीं लगाना, अगर दोनों में से एक भी काम खराब कर रहा है तब भी नहीं लगाना, समझ जाना। गलत रास्ते से जाने से पहले बात याद कर लेना। तो ये लिमिटेशन है इसकी, दो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए और डज नॉट एग्जिस्ट जब जब बताए तब तब समझ जाना कि ये काम गड़बड़ हो रहा है, तो कोई और मेथड ट्राई करना। ये थी इसकी लिमिटेशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक जरूर करना ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। तब तक टेक केयर।